हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2019 से कुछ प्रॉब्लम्स। तो सब पहले जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो है कंसीडर ए वन डायमेंशनल गैस ऑफ कैपिटल एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल ऑफ मास एम विद द हैमिल्टोनियन फॉरिसिंग इन पार्टिकल इज गिवन बाई एच बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। इसमें पूछा था सी वी कैलकुलेट कीजिए इन यूनिट ऑफ आर, आर आर होता है एन के बी, एन यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ जो हमारे नॉन इंटरैक्टिंग पार्ट के लिए उनकी संख्या होगी यहाँ पे, और के बी जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होगा। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं किसी समय पे कि जो हमारे पास एनर्जी एक्सप्रेशंस होता है उसमें जितनी भी क्वाड्रेटिक टर्म होती हैं उसके साथ एनर्जी हाफ की होती है। तो इसमें जो हमारे पास केस गिवन है वो है वन डायमेंशनल का केस। तो वन डायमेंशन में जो पी होगा यहाँ पे इस एक्सप्रेशंस में वो पी केवल पी एक्स होगा, क्योंकि जो पार्टिकल है वो केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हैमिल्टोनियन में जो है स्क्वायर टर्म होंगी वो टू, एक तो हो जाएगी हमारी पी की जगह पर पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम, क्योंकि केवल एक ही दिशा में जा रहा है। अगर ये पार्टिकल सपोज किया थ्री डायमेंशन में जाता तो इसका सोल्यूशन में पी स्क्वायर को हम लिख पाते पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर। फिर इसमें क्वाड्रेटिक टर्म जो एनर्जी या हैमिल्टोनियन एक्सप्रेशन में होती वो फोर होती, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म्स टू हैं, क्योंकि पी को हम पी एक्स स्क्वायर अपॉन टू एम लिखेंगे केवल वन डायमेंशन के कारण, प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स होगी। तो केवल स्क्वायर टर्म में एक टर्म ये हो जाएगी और एक ही होगी। और हमें पता है कि लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के साथ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम या एक हर क्वाड्रेटिक टर्म के साथ एनर्जी हाफ की होती है। तो टू क्वाड्रेटिक टर्म्स के साथ जो एनर्जी हो जाएगी वो होगी टू इंटू स्क्वायर टर्म हो गई हमारी, टू है केवल स्क्वायर टर्म इंटू एन, एन हमारे लिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ किसी समय पर नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल है, और हाफ की टी होती है किसी समय पर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो एनर्जी अटैच है। तो 2 इंटू हाफ के टी तो एनर्जी हो गई इन स्क्वायर टर्म के कारण और एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स के कारण, क्योंकि एन नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल हैं। तो यहाँ पे एनर्जी का एक्सप्रेशन जब हम इसे देखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, एनर्जी हमारी एन के टी होगी। और जब हम सी वी निकालेंगे तो डेली अपॉन डेली टी हो जाएगा एन के, और इसे लिख पाएंगे 1 इंटू एन के। तो एन के टर्म्स में 1 हमारा आंसर है, तो हमें केवल 1 इसमें मार्क करके आना था और ऑप्शन जो है ए दे रखा है। अगर इसी केस में अगर क्वेश्चन होता ये इसमें थ्री डायमेंशन में लेता इसे और इस तरीका से दे देता, तब इसमें पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी वाई स्क्वायर बाई टू एम प्लस पी जेड स्क्वायर बाई टू एम करते, और उस समय पे थ्री क्वाड्रेटिक टर्म हो जाती मोमेंटम के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि थ्री स्क्वायर टर्म आती पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर के कारण अलग अलग उसे एक्सपेंड करते, तब और एक टर्म हो जाती हमारी किसी समय पे हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाली। तो उस समय पे हम सॉल्यूशंस में लेते थ्री प्लस वन तो चार क्वाड्रेटिक टर्म्स हो जाती फोर, और फोर इंटू हाफ के टी एनर्जी लेते तो वहाँ पर 2kT आ जाता, और किसी समय पे अगर n लेते तो उस समय पे आंसर जो हमारा 2nkT बन जाता, और 2nkT के चलते जब CV निकालते तो वो हमारा 2nk आ जाता, तो 2 आंसर हमें मार्क करना होता। तो ये इसके सॉल्यूशन में हमें 1 मार्क करके आना था, क्योंकि ये केवल यहाँ पे क्वेश्चंस में मेंशन है वन डायमेंशनल केस है। तो वन डायमेंशनल के लिए केवल और केवल यहाँ पे P को Px ही लेंगे तो केवल 2 ही क्वाड्रेटिक टर्म्स होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन जो ये दे रखा है वो सॉरी किस केस से है, कंसीडर ए थ्री डायमेंशनल क्रिस्टल ऑफ एन नॉन एन इनर्ट गैस एटम्स यू आर बराबर टू एन ई, और ये ब्रैकेट में है पी और ये सिग्मा अपॉन आर की पावर 12, ये इस पूरे के ब्रैकेट में माइनस क्यू सिग्मा अपॉन आर और ये पूरे के पावर पे 6। इसमें पी की वैल्यू दे रखी थी 12.13, क्यू दे रखा था 14.45, आर दे रखा था नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस थी बिटवीन टू एटम्स, और E प्लस R जो है ये एनर्जी की और लेंथ की डायमेंशन को शो कर रहे थे। इक्विलिब्रियम सेपरेशन पूछा था, तो इसमें हम क्या करें किसी भी समय इक्विलिब्रियम के लिए, इक्विलिब्रियम के ऊपर जो होता है फोर्स की वैल्यू जीरो होती है, तो F जो होता है वो हमारा माइनस ग्रेडियंट U होता है, तो F को माइनस डेल यू अपॉन डेल आर कर दें। तो डेल यू अपॉन डेल आर की वैल्यू को कैलकुलेट करें और उसे जीरो करें, तो टू एन ई आर का फंक्शन नहीं है उसे एस एच लिख लें। तो डी ओ बट डी आर लेना होगा इस टर्म का हमें, P सिग्मा अपॉन आर की पावर 12 माइनस क्यू सिग्मा अपॉन आर की पावर 6, इस पूरे की पावर पे है ये इक्वल टू जीरो। अब इसका हम किसी समय पर डिफ्रेंसिएशन कर दें क्योंकि ये तो जीरो है नहीं, तो यहाँ से हमें मिलेगा P सिग्मा की पावर 12, ये यहाँ से आ जाएगा, और जब आर के रेस्पेक्ट इसका करेंगे तो आर की पावर माइनस 12 बन जाएगा और उसका माइनस 12 अपॉन आर की पावर 13 आ जाएगा किसी समय पर डिफ्रेंसिएशन। माइनस क्यू सिग्मा की पावर 6 यहाँ से आ जाएगा, और आर की पावर माइनस 6 का करेंगे तो आ जाएगा माइनस 6 अपॉन आर की पावर 7 इक्वल टू जीरो। उसके बाद 6 सिग्मा की पावर 6 अपॉन आर की पावर 7 यहाँ से कॉमन निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा माइनस 2 सिग्मा की पावर 6 पी अपॉन आर की पावर 6 प्लस क्यू बराबर जीरो। ये टर्म ये टर्म आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये भी जीरो नहीं होगा। इसमें हम देख रहे हैं कि ना तो 2n ही जीरो होगा
और ना ही किसी समय पे 6σ/6/r^7 होगा। तो उसके चलते हम जब इस ब्रैकेट टर्म को जीरो करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2σ/6p = q^6। तो r^6 यहाँ से बन जाएगा हमारा σ/6 2p/q, तो r आ जाएगा हमारा सिग्मा और 2p/q^1/6। p वैल्यू हमें गिवेन है 12.13, q गिवेन है 14.45, तो यहाँ पर पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा r = 2p/q^1/6 × σ। तो 2 और ये p की वैल्यू 12.13 है गिवेन है क्वेश्चन में, क्योंकि वैल्यू 14.45 गिवेन है क्वेश्चंस में, यहाँ गिवेन है इसकी power 1/6 × σ। इसको सॉल्व कर लें, जैसे इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.67889 और इसकी power 1/6 × σ ले लें। जब इसका हम किसी समय पे power 1/6 लेंगे तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 1.0901 σ। और हमें केवल 2 मार्क हमारे पास जो पूछा था वो 2 राउंड ऑफ फिगर में पूछा है, तो हमें इसमें आंसर जो लगा देना था वो 1.09 लगा देना था, क्योंकि सिग्मा हम ऑलरेडी दे रखा, सिग्मा की यूनिट में ही पूछा है आंसर, तो ये हमें इसमें मार्क कट कराना था ये वाला आंसर 1.09। तो ये इसके सॉल्यूशन थे 2 क्वेश्चंस के। मुझे उम्मीद है कि ये आपकी समझ आए होंगे, और अगर आपको कुछ इसमें डिस्क्रिपेंसी लगती है तो आप इस पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं। अगर किसी क्वेश्चंस में और भी प्रॉब्लम है मैं आगे, अगर किसी प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम देखूंगा तो एक मॉडिफाइड जो है सॉल्यूशन में जरूर दूंगा उस क्वेश्चन का। पहले भी मैंने cos z = 0 को मॉडिफाइड सॉल्यूशन में समझा दिया है कि वो सिंपल पोल का केस है, और इससे पहली वीडियो में डिस्कस किया था, तो जो रिमूवेबल सिंगुलरिटी मैंने डिस्कस की थी उसको मैंने मॉडिफाई कर दिया है। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी आती है तो मुझे सूचित कर दें, मैं अगले सॉल्यूशन में उसमें करेक्शन दे दूंगा। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।